सिंपली वी आर टू चेक दैट द हमने सिंपली ये चेक करना है कि जो हमें गिवन है प्रोबेबिलिटीज, डिफरेंट इवेंट्स जो हमें गिवन है उनकी प्रोबेबिलिटीज का जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन. अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज आती है हमारी, दैट इज कि इवेंट्स जो हैं, जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, क्या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं या नहीं. जब हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करते हैं तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स. लेकिन जब हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करते हैं तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ द जो इवेंट्स हैं हमारी, हम उनकी बात कर रहे हैं. तो इसमें जो है आपका डिफरेंस है टर्म, जब हम बात कर रहे हैं इसकी इंडिपेंडेंट इवेंट्स की तो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स की. इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट होगी. बट जब हम बात कर रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द इवेंट्स ओनली, कि इवेंट्स जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी की बात नहीं हो रही है. दैट टाइम, एट दैट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द इवेंट्स ओनली. देन जो हमारी इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, जो उनका जो मीनिंग है दैट इज नॉट सेम. जो आपकी, अगर हम अदर वर्ड्स में बात करें तो जो हमारी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं उनकी अगर प्रोबेबिलिटीज जो है वो नॉन जीरो होती हैं तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगी. सेम वे में अगर हमें जो है इवेंट्स गिवन है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है विद नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी तो दे विल नॉट बी इंडिपेंडेंट. तो दोनों जो है वो टोटली आपकी, यू कैन से कि दोनों अलग चीजें हैं. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हम क्या लेके चलते हैं कि अगर इवेंट्स हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो इट मींस दे आर हैविंग नथिंग इन कॉमन, तो उनका जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हम लेके चलते हैं जीरो. लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स की तो इनकी इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट. सो ये कंसेप्ट हमारा यूज होना है इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज. जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी दैट इज 13.2, क्वेश्चन नंबर 1 हम ले रहे हैं. तो सिंपली हमने बस इतना याद रखना है आपने कि अगर हमें चेक करना है दैट द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट, तो हमने उनका इंटरसेक्शन निकालना है, इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट अगर उनके इंटरसेक्शन के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ रहा है देन जो है इवेंट्स विल बी इंडिपेंडेंट, अदरवाइज नॉट. क्वेश्चन नंबर 1 में वी आर गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इवेंट ए की हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है 3/5, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/5, एंड वी आर गिवन वी आर टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो सिंस A and B are independent events. A और B जो है वो हमारी independent events क्योंकि हमें given है, तो हमने क्या करना है, simply इसको ले लेना है कि probability of A into probability of B. तो probability of A हमारे पास 3/5 given है, probability of B हमें 1/5 given है. आप इनका सीधा product लेंगे and you will get your answer. Since A and B are इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/5, सो 3/25 विल बी योर आंसर. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में वी आर गिवन, हमें इसमें गिवन है दैट अ बॉक्स, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 में वी आर गिवन टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, दो कार्ड्स जो हैं वो हम रैंडमली ड्रॉ करते हैं फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक, दोनों कार्ड्स जो हैं वो हमें चेक करना है कि बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक. तो दोनों कार्ड्स जो हैं वो हमारे ब्लैक हैं. तो इसमें आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे क्या गिवन है, ये नहीं गिवन है कि जो कार्ड्स हैं वो हम
रिप्लेस कर रहे हैं, हमें क्या गिवन है, विदाउट रिप्लेसमेंट। टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। तो जब विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हो, इट मींस फर्स्ट केस में जब हमने कार्ड ड्रॉ किए तो एट दैट टाइम वी वर हैविंग 52 कार्ड्स, आउट ऑफ विच 26 आर ब्लैक। तो जब हम लेके चल रहे हैं प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कार्ड के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड फर्स्ट कार्ड के लिए ये है, तो दैट इज 26/52 यानी कि 1/2। अब सेकंड वो क्या कह रहा है कि कार्ड ड्रॉ करने के बाद जो है हमने उसको रिप्लेस नहीं किया, तो नंबर ऑफ कार्ड्स लेफ्ट, टोटल कार्ड्स जो है दैट इज 51, और नंबर ऑफ जो ब्लैक कार्ड्स होंगे हमारे पास दैट विल बी 25। इट मींस अब जो आफ्टर ड्रॉइंग वन ब्लैक कार्ड जो हमारी नेक्स्ट कार्ड के लिए प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी 25/51। अब ये इवेंट कब हो रही है, व्हेन दिस इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो अगर इसको मैं प्रोबेबिलिटी लेती हूँ, इसको मैं इवेंट ए ले रही हूँ अगर, और नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड सेकेंड वाला जो ब्लैक कार्ड है अगर उसको मैं इवेंट बी ले रही हूँ, इट मींस नाउ आई हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो चुकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये आपका केस बनेगा, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे एंड वी विल गेट आर आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम 1/2 निकाल चुके हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड दैट विल बी ये हाफ आ गया, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड तो दैट विल बी 25/51। सो सिंप्लीफाई करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर एज 25/102। सो दिस विल बी योर आंसर। सिंपली बस इसमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि अब यहाँ पे अगेन एक इवेंट जो है वो दूसरी को जो है आप एक इवेंट आपकी हो चुकी है, देन यू आर गोइंग फॉर द सेकेंड इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वी आर टू कैलकुलेट व्हेन ए हैज हैपेंड, तो दोनों प्रोबेबिलिटीज आपने जो है वो लेके चलनी है। तो दिस इज 26/52 × 25/51। सिंपली आपको ये पहले भी आपने किया हुआ है, जैसे अगर आप इसको डायरेक्ट भी लेके चलो तो फर्स्ट केस में जो है हमारे पास 26 और 52 कार्ड थे, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 26 × 26/52 × कार्ड्स लेफ्ट 25, टोटल लेफ्ट 51, तो × 25/51। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। इन द थर्ड क्वेश्चन वी आर गिवन अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस। अब हमें एक बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस गिवन है, उसको इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग थ्री रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। एक बॉक्स है हमारे पास ऑरेंजेस का, बॉक्स को हमने चेक करना है वेदर इट इज कंटेनिंग ऑल द गुड ऑरेंजेस और नॉट। तो उसके लिए हम थ्री जो है कोई भी रैंडमली ऑरेंजेस निकालते हैं, उनको चेक करते हैं। इफ द ऑल द थ्री ऑरेंजेस आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। अगर वो तीन जो हमने निकाले हैं ऑरेंजेस, तीनों के तीनों अगर वो सही हैं तो बॉक्स अप्रूव हो जाता है सेल के लिए, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस, एक बॉक्स है जिसमें 15 ऑरेंजेस हैं, आउट ऑफ विच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड, उसमें से 12 गुड ऑरेंजेस हैं 3 बैड ऑरेंजेस हैं, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द बॉक्स विल बी अप्रूव्ड फॉर द सेल। अगेन क्योंकि जो ऑरेंज हमने चेक कर लिया, तो ये अंडरस्टूड है जब हम थ्री ऑरेंजेस रैंडमली चेक कर रहे हैं, तो जो ऑरेंज हमने चेक कर लिया उसको हम वापस जो है वो नहीं रखेंगे। हमने उसको चेक कर लिया इफ दिस इज गुड और बैड, तो हमने उसको वापस नहीं रखना है। तो हमने क्या करना है, टोटल ऑरेंजेस हैं हमारे पास 15, जिसमें से गुड वंस जो है वो 12 है और बैड वंस जो है दे आर 13। हमने चेक करना है इट फॉर द गुड ऑरेंजेस ताकि बॉक्स जो है वो अप्रूव हो जाए। बॉक्स आपका जो है वो कब अप्रूव होगा, जब इन तीनों के तीनों जो है वो आपके गुड ऑरेंजेस होंगे, और टोटल कितने हैं आपके पास 15, तो गुड में आपका नंबर 12 गिवन है, तो दिस कैन बी जो है डन इन 12C3 वेज कि इन 12 में से ही अगर आपके 3 चूज करते हो आप तो दैट विल बी गुड ऑरेंज, और 15C3 क्योंकि टोटल में से आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो टोटल जो है आपकी प्रोबेबिलिटी जो आएगी दैट विल बी 15C3।
तो इसको आप जो है या तो ऐसे लिख लो, अदरवाइज यू कैन राइट इट डाउन इन दिस वे ऑल्सो, दैट द बॉक्स इज प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल. दिस इज गिवन बाय, फर्स्ट आपके पास 12 ऑरेंजेस थे आउट ऑफ 15. इन 12 में से आप कोई भी एक निकाल सकते हो. अब जो आपने एक गुड ऑरेंज निकाल के रख लिया, वापस उसको रिप्लेस नहीं किया, तो इट मींस गुड ऑरेंजेस लेफ्ट आर 11, टोटल आर 14, एंड नेक्स्ट थर्ड वाले केस में 10/13. तो तीनों का आप प्रोडक्ट ले लोगे एंड दैट विल गिव यू द आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, अ फेयर कॉइन एंड एन अनबाइस्ड डाई आर रोल्ड. Let A be the event, head appears on the coin and B be the event, three on the die. A event है हमारे पास कि हमें जो है head appear हो रहा है coin पे, और B जो event है that is three on the die. Check whether the events A and B are independent or not. अब again independent आ गया, तो it means हमने simply check करना है that the probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. Events independent means जो आप ये निकाल रहे हो probability, intersection is equal to the product of the probabilities. अब हमें यहाँ given क्या है कि एक fair coin जो है और एक unbiased die हम toss कर रहे हैं. तो fair coin के जो हमारे outputs आएंगे that will be H and T, और जो die के आएंगे हमारे पास that will be 1 and 2. तो इवेंट ए मान ली मैंने फेयर कॉइन वाली, इवेंट बी मान ली मैंने कि डाई को रोल कर रहे हैं. तो अब इनकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं, ए इवेंट क्या कह रहा है कि हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, तो इवेंट ए क्या है, हेड अपीयर. अब टोटल जो है दैट आर टू इवेंट्स, आउट ऑफ दैट हेड 1 आ रहा है आपका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2. ए प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है, दैट हेड अपीयर्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई हाफ. इवेंट बी क्या कह रहे हैं, इवेंट बी में वो कह रहा है दैट थ्री ऑन द डाई, डाई पे जो आपको नंबर मिल रहा है दैट इज थ्री थ्री. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की थ्री आपको मिल रहा है दैट इज फेवरेबल इवेंट जो है 1/6. अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालनी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मीन्स जब हम ये दोनों केसेस इकट्ठे लेके चल रहे हैं, तो जब हम ये दोनों केसेस इकट्ठे लेके चल रहे हैं यानी कि व्हेन अ डाई एंड अ कॉइन इज टॉस, तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, हेड के साथ 1, 2, 3, 4, 5 और 6. सेम वे में टेल के साथ 1, 2, 3, 4, 5 और 6. तो टोटल 6 + 6 12 केसेस बन गए आपके जब ये दोनों इवेंट्स आप इकट्ठी लेके चल रहे हो. अब मुझे चेक करनी है इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो उसके लिए मुझे जो फॉर्मूला है ये है, अगर ये सेटिस्फाई होता है तो इवेंट्स विल बी इंडिपेंडेंट, अदरवाइज नॉट, तो इट मींस आई नीड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मींस हेड एंड थ्री, ये बोथ अपीयर्स. तो हेड एंड थ्री वाला हमारे पास यहाँ पे एक केस है, टोटल केसेस 12 हैं, सो दिस प्रोबेबिलिटी विल बी 1/12. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/12 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम चेक कर लेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/6, तो दैट इज अगेन 1/12. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो 1/12. ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इट मीन्स द गिवन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. तो सिंपली इंडिपेंडेंट के लिए हमने चेक करना है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में वी आर गिवन अ डाई मार्क्ड 1, 2, 3 इन रेड. एक डाई है रेड कलर में मार्क्ड है उस पे 1, 2 एंड 3 एंड 4, 5, 6 इन ग्रीन, और 4, 5, 6 जो है वो ग्रीन कलर में मार्क्ड है इस पे. इस टॉस्ड, इसको टॉस किया जाता है. लेट ए बी द इवेंट दैट द नंबर इज इवन, ए इवेंट है नंबर इज इवन.
नंबर इज इवन मीन्स इट विल बी ईदर टू फोर और सिक्स. अब इवेंट बी क्या है, दैट द नंबर इज रेड. नंबर इज रेड मीन्स 1, 2 and 3, दीज आर मार्क इन रेड. इवेंट ए था, नंबर इज इवन, तो इवन नंबर डाई के थ्रो में 2, 4, 6 आते हैं. नंबर रेड मीन्स 1, 2, 3, क्योंकि वो आपको रेड कलर में गिवन है कि मार्क है. What we are to find are A and B independent. तो यहाँ से probability of A निकाल लेंगे. Excuse me. Probability of A आ जाएगी हमारी 3 cases हैं, total 6, so that will be 1/2. Probability of B will also be 1/2. 3/6 दोनों में है. Now we need to calculate probability of A intersection B. Probability of A intersection B means A इंटरसेक्शन B का मतलब इवन नंबर होना चाहिए और उसका कलर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए. अब इवन नंबर एंड इन रेड कलर ओनली 2 गिवन है, यानी कि 1 केस, एंड टोटल कितने बन रहे हैं, 6 केसेस. सो दिस विल बी 1/6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B आ गया हमारे पास 1/6. अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है वो कैलकुलेट कर लेना है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू B दैट इज 1/2 into 1/2, that is 1/4. अब probability of A intersection B जो है वो 1/6 है, but probability of A into probability of B 1/4 है. 1/6 is not equal to 1/4, so A and B are not independent. तो A और B events जो है वो हमारी independent नहीं है. क्वेश्चन नंबर 6 इज एग्जैक्टली सिमिलर. तो उसमें आपको इवेंट्स ई और एफ गिवन है, इंटरसेक्शन भी गिवन है. आपको चेक करना है कि आपका जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यू विल सी दैट विल बी 3/5 इंटू 3/10, दैट इज 9/50, विच इज नॉट इक्वल टू 1/5. तो इंडिपेंडेंट नहीं है. देन क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है, गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट. अब हमें यहाँ पे इवेंट्स ए और बी गिवन है, और वो इस तरीके से गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है दैट इज हाफ, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 3/5, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज पी. बी की जो मुझे प्रोबेबिलिटी गिवन है दैट इज इन टर्म्स ऑफ सम वेरिएबल. ये इम्पोर्टेंट भी है आपका क्वेश्चन. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है हमारे पास 1/2, ए यूनियन बी इज 3/5. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें, फाइंड P if they are mutually exclusive. अब first condition मुझे क्या given है, find करना है P if A and B are mutually exclusive. अब A और B जो है वो मुझे mutually exclusive given है, क्योंकि तो it, और मुझे पता है कि जब events A और B mutually exclusive होती हैं, तो उस time पे हम probability of A intersection B जो है वो क्या लेके चलते हैं, 5 लेके चलते हैं. तो हमने यहाँ पे सबसे पहले ले लेना है प्रोबेबिलिटी. ए यूनियन बी गिवन है हमें, तो फॉर्मूला हमें पता है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी. वी नीड टू फाइंड पी इफ वी आर गिवन दैट इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमें गिवन है. अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे. P ऑफ A यूनियन B गिवन है मुझे 3/5, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है मुझे वो गिवन है दैट इज गिवन टू बी हाफ. प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है वो मुझे गिवन है P, तो यहाँ पे आ गया आपका हाफ, यहाँ पे आ गया आपका P. प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन वी विल टेक एज 0, एज A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू पी.
सिंप्लीफाई कर लोगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पी. तो दिस इज 6 - 5/10, तो पी आ गया आपके पास 1/10. तो ये तो सिंपली हो गया हमारा, जब हमें इवेंट्स गिवन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गिवन है, तो एट दैट टाइम जो उनका इंटरसेक्शन है वो हमने फाइव ले लेना है, और इंटरसेक्शन की वैल्यू हमने पुट की, फाइव मीन्स जीरो, तो सिंप्लीफाई करके वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ पी एज 1/10. अब सेकेंड केस में वो हमें क्या कह रहे हैं, इन द सेकेंड केस वी आर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी इफ द गिवन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. अब जो गिवन इवेंट्स हैं वो हमें इंडिपेंडेंट गिवन है, तो इट मीन्स जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगी अब वो चेंज हो जाएगी. जब वो इवेंट्स आपकी इंडिपेंडेंट होती हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हाफ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी है, तो दिस विल बी हाफ into p, that is p by 2. तो अब इस केस में जो probability of a intersection b मुझे लेके चलनी है, that is p by 2. अब अगेन हम ये वाले में put करेंगे, हमें जो है find out करना है value of p. तो अब मेरे पास union भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, values put करेंगे and we will get our answer. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा. तो ये हो गया हमारा 3/5, ये हो गया इधर 1/2, राइट हैंड साइड हमारी चेंज हो जाएगी, दिस विल बी पी माइनस पी बाय 10. टेन से टेन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पी. एक बार इसकी कैलकुलेशंस चेक कर लेना and then you will get your answer. You are to check the calculations. मैंने यहाँ गलती की है, this is p minus p by 2. I have calculated this as p by 2. यहाँ मैंने 10 कर दिया था, here it is 2. So this will be p by 2 is equal to 1/10. So p is equal to 1/5. So this will be your answer. Make the correction over here. Here by mistake I have written 10. Here it is 2. So यहाँ पे आपका p by 2 है. ये simplify करोगे, p minus p by 2 will again be p by 2. तो यहाँ से आपके पास p by 2 की जो value है that will be 1/5. Now moving on to the next question. Question number 8 में again we are given. A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी A गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन है, इंडिपेंडेंट हैं, तो इट मींस इंटरसेक्शन आप उनका जीरो ले लोगे. A यूनियन B के लिए इंटरसेक्शन को फाइव पुट करोगे, देन A बाय B में भी जो है इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है क्योंकि इंडिपेंडेंट है, तो दैट यू विल टेक एज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में जीरो पुट करोगे और इसमें जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपने पुट करना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें 0.3 गिवन है, बी हमें 0.4 गिवन है, तो इंटरसेक्शन जो है वो 0.3 इंटू 0.4 आप कैलकुलेट कर लोगे, दैट विल बी 0.12. उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा लोगे, तीनों वैल्यूज आपके पास हैं. देन ए बाय बी में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय ए आपने कैलकुलेट करना है. सो दिस क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स जो है दैट वी विल डू ऑन द नेक्स्ट मंडे. सो टुडेज लेक्चर इज ओवर. इफ एनी डाउट इज देयर इन टुडेज लेक्चर देन यू कैन आस्क फॉर, अदरवाइज आई एम एंडिंग द मीटिंग. 9th B students, if any, you are to rejoin, beta.